नीमच फवारा चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पिकअप चालक ने एम्बुलेंस को साइड देने के चक्कर में पुलिसकर्मी को पहले साइड नहीं दी तो पुलिसकर्मी का पारा चौथे आसमान पर पहुंच गया और फिर क्या था, देखते ही देखते आओ देखा न ताओ, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने वाहन चालक पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया और वहां पर पुलिसकर्मी को लोगों ने घेर लिया। हंगामा देख मौके पर केंट थाना प्रभारी पहुंच गए और वाहन चालक को समझा कर थाने बुलाकर आवेदन लिया और जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल एक पिकअप वाहन चालक को पुलिसकर्मी ने जबरन थप्पड़ मार दिया जिसके बाद वाहन चालक ने पुलिसकर्मी के साथ ऐसा बर्ताव किया। जानकारी के अनुसार शहर के ही एसपी कार्यालय के समीप सोमवार सुबह ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ था। उसी दौरान जिले के कुंडेश्वर तहसील निवासी मनीष कोरवाल नीमच अपने निजी काम से पिकअप वाहन लेकर आए थे। जब वह एसपी कार्यालय के समीप मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे उसी समय पोरवाल के वाहन से एक 108 ने साइड मांगी। इस पर पोरवाल ने 108 को साइड दी। उसी समय पुलिसकर्मी ने पिकअप वाहन चालक पोरवाल को वाहन रोकने के लिए हाथ दिया तो वाहन चालक ने इशारा करते हुए आगे जाकर वाहन रोकने की बात कही। बस फिर क्या था, जैसे ही पिकअप वाहन चालक पोरवाल वाहन से उतरा तो पुलिसकर्मी आया और उसके साथ आओ देखा न ताओ वाहन चालक के जबरन जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस पर गुस्सा वाहन चालक और साथियों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी पर केन थाना टीआई अजय सरवान मौके पर पहुंचे और वाहन चालक को समझाइश देने लगे, लेकिन वाहन चालक का बस एक ही कहना था कि थप्पड़ मारा तो मारा कैसे, गलती थी तो चालान बनाते, मारने की क्या जरूरत थी। इतना सुनने के बाद टीआई सरवान ने चालक को आश्वासन दिया कि वह पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उसके बाद वाहन चालक ने टीआई के आश्वासन पर मौके से मामले को रफा दफा कर थाने पहुंचे। अब टीआई सरवान मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिसकर्मी द्वारा एक वाहन चालक के साथ में मारपीट की गई है, इस मामले में दोनों पार्टी द्वारा आवेदन दिया गया, इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर आपके द्वारा? अब इसमें दोनों तरफ से आवेदन दिया गया है तो दोनों आवेदनों को जांच कराया जाएगा, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तो ये हो गया, दूसरा जहाँ तक यातायात के नियम है तो यातायात के नियम का भी पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी का दायित्व बनता है कि जब हम रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर सभी को समान अधिकार होना चाहिए। अगर मान लो एम्बुलेंस आ रही है उसको साइड देना अनिवार्य रूप से जरूरी है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति हो, और या दूसरा जो पैदल चल रहा है उसको भी आप साइड देना आवश्यक है। और ये घटनाक्रम की हम जांच कराएंगे, इसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, हम फुकलासा से गाड़ी लेके निकले तो जैसे हम नीमच पे घुसे और यहाँ पीछे पीछे गाड़ी चल रही थी, मेरी पीछे एक गाड़ी थी पुलिस वाले की, उसके पीछे एक एम्बुलेंस चल रही थी सर। वो गाड़ी वाले ने साइड मांगी तो मैंने हल्का सा देखा पीछे एम्बुलेंस का हॉर्न लग रहा था, तो मैंने उस गाड़ी को रास्ता देने के चक्कर में उस पुलिस वाले की गाड़ी को रास्ता ना देकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया सर। उसके बाद थोड़ी सी आगे चलकर पुलिस वाले ने गाड़ी आगे लगा दी और उतर से ही भैया को पीटा, और उसने फिर एक और पुलिस वाला आया बंदा, उसका नाम था भंवर सिंह पंवार, उन्होंने आकर से सीधे मुझे पीटा और कुछ कागज़ मांगे नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ बात तो हुई नहीं, मतलब बिना बात बोले ही जैसे कोई पुरानी रंजिश, उस प्रकार से उन्होंने हमें मारा। क्या कराना मारपीट करने का, उसके बाद में क्या स्थिति रही? बस मारपीट करने के बाद बोला जा करना हो जो कर लेना, और कुछ बोला ही नहीं, बस जा कर लो कर लेना। कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट की? दो लोगों ने मारपीट की सर। कौन थे? ट्रैफिक पुलिस वाले थे? कौन नहीं सर, वो पुलिस वाले कैंट थाना के थे सर, वो पुलिस वाले। अच्छा, अधिकारी दोनों। और अभी यहाँ कैंट थाने में हमने एक आवेदन दिया सर। मारपीट किसके किसके साथ हुई? सर मेरे साथ और एक भैया के साथ हुई। क्या नाम है आपका? मनीष पोरवाल। हम आ रहे थे भुवनेश्वर से नीमच, हमारी गाड़ी ठीक करानी थी, कब ठीक करानी थी तो आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा रास्ते में एम्बुलेंस थी, हम लोग को साइड देने के चक्कर में पुलिस वाले की गाड़ी आ रही थी, हमको पता नहीं था वो सिविल में था, हमने उसके आगे लगा दी थोड़ी सी, मतलब उसको साइड नहीं दी और एम्बुलेंस को साइड दी, एम्बुलेंस निकली तो पुलिस वाले ने कह रहा थोड़ी सी आगे चल के हमारा आगे लगा दी बिल्कुल रोड पर, हमारा फारा चौक थी, उसने गाड़ी लगाई उतरते गाली गलौज करी और इनके भैया के साथ में उनके साथ मारपीट चालू कर दी। इससे वो भंवर सिंह जी पवार आए बुलेट से, उन्होंने भी उतर के इनके साथ गाली गलौज करके मारपीट चालू कर दी और कुछ नहीं बोला, कागज कुछ नहीं मांगे, उतर के मारपीट चालू कर दी। इतने पब्लिक इकट्ठी हो गई, फिर उनसे पूछा गया कि आपने क्यों मारी, तो उन्होंने कहा तुम्हारे दोनों करना हो कर लो, ऐसा मैंने तो नहीं मारी, मैं करना लगता। फिर उसके बाद में आपने कहाँ कार्रवाई के लिए क्या आवेदन दिया? हम कार्रवाई किया टी आई उनके ऑफिस में आए, टी आई तो ये बोले कि तुम आवेदन दे दो, तुमने आवेदन दिया तो अभी ये बोल रहे हैं कि वो भी तुम्हारा केस करेंगे, गाड़ी ठोक दी तुमने पुलिस वाले की, थाने में डराया जा रहा है, थाने में डराया जा रहा, हमने तो गाड़ी दी नहीं किसी की। अच्छा, इस बीच में क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की पोरवाल।